हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हो आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज है 9 अक्टूबर, फ्राइडे है और मॉर्निंग का बज गया है अभी 9। तो कुछ दिनों से ना मेरा ब्लॉग जो है मैं बिल्कुल भी नहीं बना पाई। तो लास्ट ब्लॉग जो मेरा वेडनेसडे को गया था और ना संडे का क्लिप था, तो संडे वाला क्लिप ना वेडनेसडे को गया था। और इतने दिनों से ना मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरे दांत में ना बहुत ही ज़्यादा दर्द है और इस दर्द से ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो दिखता नहीं है कीड़ा वगैरह लगा है, क्या लगा है पता नहीं, बस इस साइड ऊपर की साइड ना बहुत ही ज़्यादा दर्द है। इसी वजह से ना 5 दिन से ना कुछ भी मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। तो मैंने कहा चलो मैं अपना ब्लॉग जो है स्टार्ट कर देती हूँ और बनाती हूँ। और ये वाला ब्लॉग ना फ्राइडे को, मतलब आज ही मैं बना रही हूँ और देखती हूँ आज ही शाम तक ना मैं एडिट करके डालने की कोशिश करूँगी। तो अभी जो है मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ और नाश्ते में ना चीला बनाऊँगी चने की दाल की और चावल की। तो दोनों को पीस के और मैं अभी चूल्हा बनाऊंगी और ना चटनी बनाऊंगी, धनिया पत्ता का चटनी, धनिया पत्ता और टमाटर की। तो चलिए मैं बना लेती हूँ पहले। तो ये चावल और ये दाल ना मैं रात को ही भिगोने के लिए रख दी थी, तो अभी मैं इसको अच्छी तरह से वॉश कर ली हूँ और अभी मैं जार में डाल देती हूँ चावल को भी और दाल को भी। और इसमें लहसुन डालूँगी और इसमें ना हरी मिर्च डाल दूँगी और इसमें कुछ नहीं डालूँगी, नमक डालूँगी बस। और इसमें अभी जार में एक जार में इसको डाल देती हूँ, उसके बाद जो है एक जार में मैं चटनी बना लूँगी। तो चटनी टमाटर का चटनी बनाऊँगी। तो टमाटर को ना थोड़ा सा मैं पका लेती हूँ और लहसुन को भी मैं पका लेती हूँ। और अभी एक जार में मैं इसमें धनिया पत्ता, मिर्ची और ये लहसुन को इसको भी मैं डाल दूँगी और टमाटर को भी मैं अभी पका लेती हूँ। तो आप लोग ना बोल रहे थे कि दी आप एक चिमटा ले लीजिए, तो चिमटा ना है मेरे पास, तो कुछ भी मैं पकाती हूँ ना, तो रोटी भी जैसे बनाती हूँ तो चिमटा लेना ही मैं भूल जाती हूँ। तो हाथ से ना मुझे आदत हो गया है, तो मैं कुछ भी मतलब गैस पर रखती हूँ तो वैसे ही मतलब रोटी भी ऐसे ही पका लेती हूँ और टमाटर को भी ऐसे ही मैं पका लेती हूँ, तो एक आदत सी हो गई। इसी वजह से चिमटा लेना ना मैं भूल जाती हूँ। तो अभी ये पक गया था, इसका छिलका मैंने उतार लिया था, ये टमाटर का। और अभी चटनी मैंने पीस दिया है और चटनी में ना मैं थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा भी डाली थी, तो चटनी को भी मैंने पीस लिया है। और ये चने की दाल और चावल को भी मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दी थी और अभी आप देख सकते हो ये भी मैंने पीस लिया है। तो अभी मैं इसको, ये चटनी को एक बर्तन में निकाल के अभी रख देती हूँ और ये चावल को उसको भी मैं अभी निकाल के रख देती हूँ पतीले में। और इसमें टेस्ट के अनुसार चटनी में ना मैं नमक डाल दूँगी, थोड़ा सा जो है तेल भी डाल दूँगी, सरसों का तेल। तो बस अभी ये बन गया है ये चटनी, इसको मैं साइड में रख देती हूँ और अभी मैं बैटर को डाल देती हूँ इसमें पतीले में। और उसके बाद जो है इसमें मैं टेस्ट के अनुसार मैंने नमक भी डाल दिया है और ये तवा मैंने चढ़ा दिया है। तो तवा आप नॉन स्टिक तवा में बनाओगे ना तो उसमें ना तेल का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसमें मैं बना रही हूँ लोहे की तवा में, तो इसमें ना थोड़ा थोड़ा जो है तेल डालना पड़ेगा, उसके बाद जो है चीला बनाऊँगी। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ और इस बैटर को डाल देती हूँ, उसके बाद जो है ये चीला बन जाएगा। इसी तरीके से ना मैं सारे चीले को बना लेती हूँ, उसके बाद अभी मैं बच्चों को दे देती हूँ। तो बच्चों को, गोलू को तो मैं उसके धनिया पत्ता की चटनी के साथ दे देती हूँ, मनीषा को भी धनिया पत्ता की चटनी के साथ दे देती हूँ। और डुग्गू जो है चटनी नहीं खाता है, तो उसके लिए मैं ना एक ऑमलेट बना देती हूँ, अंडा का ऑमलेट, तो उसके साथ मैं अभी दे देती हूँ। और अभी ये गोलू को मैंने दे दिया है और डुग्गू जो है, अभी डुग्गू के पापा ना उसको नहला रहे हैं, तो अभी वो भी आ रहा है तो वो भी अभी खा लेगा चीला। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी जो है मैं थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ क्योंकि मीशो की तरफ से ना मुझे कुछ साड़ियाँ रिसीव हुई थी, तो वो मैं अभी दिखाऊंगी आप सबको। तो पहले साड़ी तो ये है जो मैंने पहन रखा है और बाकी की साड़ी तो ये है। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो इस साड़ी का पूरा लुक। तो इसमें ना ये रेड कलर का ये चुनरी टाइप का ऊपर आ जाएगा और नीचे ना पीला कलर आ जाएगा। तो अभी बॉर्डर में आप देख सकते हो नीचे जो है बड़ा बॉर्डर है,
चौड़ा वाला बॉर्डर और ऊपर ना ये पतला वाला बॉर्डर है। तो और ये आंचल में ना थोड़ा थोड़ा जो है ये लटकन आ जाएगा, लटकन के जैसा। और अभी आप देख सकते हो ये साड़ी जो है काफ़ी खूबसूरत लग रहा है पहनने के बाद। तो इस साड़ी को ना आने वाले दुर्गा पूजा करवा चौथ में पहन सकते हो। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये वाला साड़ी। तो ये थी एक साड़ी। तो फ्रेंड्स इसका ब्लाउज का कपड़ा ना गोल्डन कलर में आ जाता है और इसका यहाँ पे स्लीव्स में ये थोड़ा सा डिजाइन दिया हुआ है, तो ये इस तरीके का आ जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट साड़ी जो है ये है। तो ये वाली साड़ी जो है ना ये साड़ी काफ़ी सिंपल है। ये वाइट कलर में ये प्रिंट आ जाएगा बीच बीच में और ये ब्लैक कलर का ना ये बॉर्डर आ जाएगा। तो ये बॉर्डर जो है ना ब्लैक कलर का आंचल में आ जाएगा और पूरा मतलब किनारे किनारे है ये बॉर्डर। और ये सिंपल है और इसका ब्लाउज का कपड़ा ना प्रिंट में ही है, ऐसे ही है सेम टू सेम जैसा साड़ी है वैसे ही। तो ये साड़ी भी ना रेगुलर पहनने के लिए बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो सिंपल है। तो फ्रेंड्स अगली साड़ी जो है ये। तो ये वाली साड़ी ना पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सॉफ्ट है ये साड़ी। और ये साड़ी ना इसमें बॉर्डर जो है पूरा बॉर्डर में ये पतला वाला बॉर्डर आ जाएगा। तो इसमें रेड कलर का ये प्रिंट दिया हुआ है और इस साड़ी में ना सब कलर है थोड़े थोड़े जो है। और बॉर्डर में ये नेवी ब्लू कलर में ये थोड़ा सा आ जाएगा। और इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा था, मतलब 1000 के अंडर ही था। तो अच्छा लगा मुझे ये वाला साड़ी। तो अभी आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, रेड कलर में है। तो ये रेगुलर यूज में भी पहन सकते हो और आने वाले त्योहारों में भी पहन सकते हो। और इसका ब्लाउज का जो कपड़ा है ना तो सिंपल है, बस इसके बाजू में थोड़ा सा ये काम आ जाता है। तो फ्रेंड्स लास्ट साड़ी जो है ये। तो इसका ब्लाउज का कपड़ा ना कुछ इस तरीके का है, गोल्डन कलर में है, काफ़ी सिंपल है। और ये वाली साड़ी जो है ये रेड कलर में है, तो काफ़ी अच्छा लगा। ये आने वाले त्योहारों में करवा चौथ में इसको आप पहन सकते हो, बहुत ही अच्छा लगा। और ये बीच बीच बॉर्डर जहाँ है ना तो यहाँ पे ये जैसे शीशा होता है वो शीशा लगा हुआ है। और इसके साथ एक फेविकॉल भी मिल जाएगा और इसके साथ ना शीशे का पैकेट भी एक आया था। तो अभी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है रेड कलर में। और इस साड़ी का कलर भी बहुत सारा था तो ये मैं रेड कलर मैंने मंगाया है। तो करवा चौथ में और दुर्गा पूजा में कोई भी त्यौहार में ना पहन सकते हो। तो मैं तो करवा चौथ में पहनने वाली हूँ इस साड़ी को। तो ब्लाउज मैंने सिलवाया नहीं है, सिलवाऊंगी कुछ दिन बाद। तो अभी आप देख सकते हो इस साड़ी का लुक कितना प्यारा लग रहा है। और इस साड़ी के बीच बीच में ना कढ़ाई जैसा है, तो धागे वाला कढ़ाई है और बीच में दो शीशा लगा हुआ है। फ्रेंड्स लास्ट मैंने मंगाया है ये एक ब्लाउज। तो ये ना कुछ इस तरीके का है, तो ये ना लाइट ग्रीन कलर में है। तो इसका स्लीव्स में ये कुछ नहीं है, बस स्लीव्स में ना ये आ जाएगा। तो इस तरीके का ब्लाउज जो है मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। तो ये मैंने मंगाया एक ब्लाउज और काफ़ी अच्छा है ब्लाउज, कपड़ा जो है काफ़ी अच्छा है। और इस ब्लाउज में मुझे ये अच्छा बात लगा कि इस ब्लाउज में ना ये चेन मिल जाएगा। तो ये काफ़ी मतलब ये पता नहीं चलेगा, ये चेन जब लगाओगे ना तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो ये चेन जो है साइड में आ जाएगा और बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, अभी आप देख सकते हो। तो ये ब्लाउज मैंने मंगाया है, तो इसको ना मैंने फिटिंग नहीं किया है, नहीं तो अभी पहन के मैं दिखाती। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये ब्लाउज मुझे। और इस ब्लाउज के ना कलर भी बहुत सारे थे तो आप चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये साड़ी सब और ब्लाउज का ये जो मैंने दिखाया है अभी, तो इसका कोड जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसमें से कुछ भी अगर आप सबको पसंद आए ना तो आप ना मंगा सकते हो मीशो ऐप से। और मीशो ऐप का लिंक ना मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जिन्होंने मीशो ऐप को डाउनलोड किया है वो अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं डाउनलोड किया है तो मेरे लिंक के थ्रू आप सब डाउनलोड कर सकते हो। और फर्स्ट ऑर्डर पर ना कुछ जो है डिस्काउंट मिल जाएगा आप सबको, तो आप ना चेकआउट कर सकते हो। तो मीशो ऐप से कैसे जो है आप सामान मंगा सकते हो, चलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स मीशो ऐप जो है एक रीसेलिंग ऐप है, तो यहाँ पे आप खुद के लिए प्रोडक्ट मंगा सकते हो और आप बिजनेस करने के लिए प्रोडक्ट मंगा सकते हो। तो जैसे ही मीशो ऐप को ओपन करोगे ना तो यहाँ पे आपको बहुत सारे साड़ी सूट्स देखने को मिल जाएगा। तो मुझे ना ये वाली साड़ी जो है ब्लू कलर की ये वाली साड़ी पसंद आ रहा है, तो इस पर मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। और नीचे जाओगे तो रिव्यू देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको कलर ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो रेड वाली साड़ी मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, उसके बाद साइज फ्री साइज़ पर सिलेक्ट कर लेती हूँ, फिर कंटिन्यू कर देती हूँ।
और इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो जैसे आप पेमेंट करना चाहते हो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद आप अगर आप खुद के लिए मंगा रहे हो ना तो सेम टू सेम प्राइस लिख दीजिए, और अगर आप दूसरे के लिए मंगा रहे हो तो मार्जिन रख सकते हैं। जैसे कि मैं 600 कर देती हूँ तो 53 रुपीज़ का मेरा मार्जिन हो जाएगा। उसके बाद आपका ऑर्डर जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी है मीशो ऐप से शॉपिंग करना, तो जल्दी से जाइए और मेरे लिंक के थ्रू आप मीशो ऐप को डाउनलोड कीजिए और इसमें ना फर्स्ट ऑर्डर पे डिस्काउंट पाइए। तो फ्रेंड्स अभी जो है इवनिंग का टाइम हो रहा था और यहाँ पे मैं बच्चों को दूध दे देती हूँ और बॉर्नविटा के साथ दे दूँगी दूध, और अभी हम लोग के लिए चाय भी मैंने बना लिया था। तो इन अभी ये ना घर पर ही है, तो इनका अभी काम जो है कम चल रहा है, तो अभी 2-4 दिन से काम पर नहीं जा रहे हैं। तो अभी मैं चाय और ये मट्ठी रखा हुआ था तो ये मट्ठी भी दे देते हैं और चाय भी हम लोग पी लेते हैं। और अभी ये इवनिंग का मैं नाश्ता बना रही हूँ, तो ये ना ये मैं सब्जी बनाने के लिए भिगोई थी, तो इसमें राजमा है, चना है, मूंग है और कुलथी है। तो इसको अभी मैं भून देती हूँ थोड़ा सा तेल मसाले डाल के। तो मुरमुरे के साथ ना अभी बच्चे भी खा लेंगे, हम लोग भी खा लेंगे, तो हमारा ना इवनिंग का अभी नाश्ता भी हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले मैं तेल डाल देती हूँ, हींग और जीरा डाल देती हूँ, और इसमें ना प्याज डाल देती हूँ, कटा हुआ प्याज चॉपर में मैं काट लेती हूँ बारीक बारीक, और इसमें टमाटर नहीं डालूँगी, बस प्याज डालूँगी और थोड़े थोड़े जो है मसाले डाल दूँगी। तो कुछ देर मैंने ये प्याज को भून लिया था, तो प्याज अच्छी तरह से भून गया है। और इसमें मैं छोले मसाले डालती हूँ थोड़ा सा, और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और मिर्ची पाउडर, तो मसाले को भून के। और अभी मैं इसको उबाल के रखी थी, 3 से 4 सीटी लगाई थी, तो इसको भी मैं अभी डाल देती हूँ और अच्छी तरह से ना भून लूँगी। तो लंच के टाइम में ना मैं इसका सब्जी बनाने वाली थी, फिर सब्जी नहीं बनाई इसका ना, अभी सब्जी अच्छा नहीं लगता है और बच्चे भी इतना खाते नहीं हैं, तो इसका मतलब बिना पानी वाला, अभी पानी मैंने इसमें नहीं डाला है, टमाटर भी नहीं डाला है, तो ऐसे ही मैं भून लेती हूँ। और अभी आप देख सकते हैं मुरमुरे भी मैंने निकाल लिया है थाली में, और अभी मैं बच्चों को दे देती हूँ तो बच्चे खा लेंगे, और ये भी थे तो इनको भी मैं दे देती हूँ तो ये भी खा लेंगे। और ये सब्जी ना अभी बची हुई है तो ये रोटी के साथ भी हो जाएगा, तो बच्चे जो है दूध के साथ रोटी खा लेंगे और हम लोग ना इसके साथ जो है सब्जी के साथ खा लेंगे, इस राजमा वाले सब्जी के साथ। तो अभी मैं ये मुरमुरे दे देती हूँ बच्चों को, मैं भी खा लेती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, अगर आप सबको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं और एक अच्छे नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू।